अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में आज पूर्व मंत्री व लोकदल नेता योगराज सिंह ने बताया कि हरसोली पुलिस चौकी पर ग्राम हरसोली निवासी एक किसान जो खेत में काम कर रहा था उसको स्थानीय पुलिस खेत से उठाकर ले आई और चौकी में बंधकर जबरदस्त लठ बजाया जिससे किसान की गर्दन की हड्डी टूट गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे योगराज सिंह, पूर्व मंत्री व जिला पंचायत सदस्य चौधरी इरशाद जाट तो वहीं जनता के बीच पहुंचकर हाईवे पर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे सीओ बुढ़ाना गौतम ने इंस्पेक्टर शाहपुर व चौकी इंचार्ज व पारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में घोषणा की कि जिस पुलिसकर्मी ने गलत किया है उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी। उसके उपरांत लोकदल ने जाम खोला। मेरा नाम ताहिर हसन है। क्या हुआ आपके भाई के साथ? मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे भाई छोटा भाई खेत इकसार कर रहा था, जो उसमें फालतू मिट्टी थी उसे उठा के दूसरी जगह गिर रहा था। तो चौकी वाले गए, पहले तो 100 नंबर गए, 100 नंबर वालों को किसी ने झूठी सूचना कर दी दारू दूर पीने वालों ने। तो ये गए, ये कह ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। ये तो आ गए 100 नंबर वाले, गए चौकी वाले, इन्होंने जाकर उसके लठ लुट मारे पहले तो, फिर वहां तल जाकर यहाँ भित्तर चौकी में बंद करके उसका नाड़ का मणिया तोड़ दिया इन्होंने। उसका गला भी घोट रखा, बैंत भी बढ़िया बजा रखे। कौन कौन पुलिसकर्मी थे पीटने? पुलिसकर्मी चौकी पर थे, किसी का नाम का नहीं पता, 5-4 है। हम मांग ये कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहा। इस चौकी पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इस चौकी पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। सोली चौकी पर मारपीट के मामले को लेकर जाम लगा। आज एक सूचना प्राप्त हुई 112 को कि कोई ट्रैक्टर से मिट्टी लेके जा रहा है। इस पर एक चौकी का सिपाही है पवन शर्मा, उसके द्वारा कुछ थप्पड़ या थप्पड़ कुछ उसके मार दिया गर्दन पे, जिससे उसके चोट आ गई, मूर्छित हो गया। उसका दोष पब्लिक ने जाम लगा दिया। पब्लिक को आके समझाया गया कि इसमें जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक और जो सम्मानित लोग थे वो मान गए और जाम खुल गया है, स्थिति नियंत्रण में। जो सर सलीम था उसकी हालत कैसी बताई? उसकी हालत अभी डॉक्टर साहब के पास भेजा गया, हॉस्पिटल में है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, खतरे से बात, कोई ऐसी बात चिंता की।